बोला हाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का सीन ये है कि गाइस कि आज सुबह से पापा, मैं और वंश गेहूँ ला रहे थे। गेहूँ लिए हैं पापा ने अभी, तो उनको वहाँ से घर में ला रहे थे। तो अभी घर पे जस्ट अभी रखी है हमने सारी बोरियाँ लल्ला के, तो पूरी की पूरी 13 बोरियाँ थी गेहूँ की। तो हमने तो ला के रखी, तो हमारे दोनों के हाथ तो ऐसे हो गए, बिल्कुल दुख रहे हैं। तो अभी मम्मी और बड़े भैया गेहूँ को नीचे से ऊपर कमरे में पटक रहे हैं, कोठी में। हाँ भाई, सब तर बतर हो रही है। ये गेहूँ लिए हैं हमने, इनको सुबह बंस और मैं बोरियां लला के पटक रहे थे। अभी मम्मी और भैया पटक रहे हैं ऊपर छत पे, ताकि वो कोठी में भर सकें। कब बड़ा पापा की मदद कर रही हो? बीच में बैठ गए हैं नहीं हम तो। पापा हैं। बोला हाय। ले दवाई पटकोगे कि नीम की पत्ती पटकूं? नीम की पत्ती और फिर वही डाले नीम। और खाने का रंग हो देखो, दूसरी जगह रखूं मेरा बोरे में कितना है, कितना है है नहीं? हाँ, जैसे बाद फिर नीम की पत्ती ला के रखूं। हाँ कर रही। गेहूं तो अभी अंदर पटका गए हैं कमरे में, अब नीम की पत्तियां लानी, क्योंकि गेहूं कोठी में भरेंगे हम तो उसमें ऐसा नहीं हो कि धंधुरे पड़ जाएं। इसलिए अब मैं जाऊंगा नीम की पत्तियाँ लेने। तो नीम की पत्तियाँ लेके आऊंगा, पहले सब सस्ता लें, क्योंकि बहुत देर से कर रहे हैं तो अभी सब थक गए। तो अभी थोड़ा सा थकान दूर करके फिर लेके आऊंगा मैं। नीचे कुछ गाँव दिख रहे थे, उनको बटोर रही मम्मी अभी। ऊपर ले जाने में थोड़े बहुत तो भी करते हैं। वो बड़ी दीदी खड़ी है। खड़ा हो जान दे यार मेरे पास उसको। कैसे चढ़ रही है? मेरे पापा के पास खड़े मत हो कोई भी, नहीं खड़ा होऊंगा। कैसे चढ़ रही है? कहीं कर रही है तू? ढोलक सीख रही हो कहीं? ऐसा कर लेते, लाता हूँ माइक दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? शिवा। तो भाई मम्मी को, दीदी को माइक देखना है। मैंने माइक मंगवाया था एक, वो अभी तक मम्मी ने देखा ही नहीं है, और मम्मी बोल रही है कि उसका यूज़ तो कर ही नहीं रहा है। तो मैंने कि यार इसका उपयोग अभी घर में क्या करूँ, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, कहाँ लगाऊँगा, कैसे क्या उसको पकड़ूँगा। अभी दिखाता हूँ उनको ये ले जाके। ये माइक है, एक दो बार वो बीच। ये माइक है का? बाय कर ले बड़ा पापा से। वो तो नहीं कर रही हो बाय। ए? पापा जा रहे हैं ना गाँव।
अच्छा सोएगा। हाँ। तो गाइस अभी गेहूँ भी पटका गए हैं, बस अभी नीम नहीं पटकी है तो कोठी में नहीं रखे हैं अभी गेहूँ को, तो अभी नीम लेने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि अभी भैया भी चले गए हैं, वो पापा भी गांव चले गए हैं वो ओटले की उताई के लिए। अब बचा मैं अकेला घर पे, वो बंस बचा है तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, इसलिए अभी मैं भी ऊपर आ गया, भैया भी अभी सो गया है। तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद थोड़ा सा रील्स बनाऊँगा क्योंकि रील्स मैंने बनाई नहीं है, शॉर्ट वीडियोज़, तो उसकी उसको भी बनाना है मुझे। तो गाइस अभी मैं नहा भी लिया हूँ और अब नीचे जा रहा हूँ मैं खाना खाने, वो खाना खाने के बाद हम बनाएंगे शॉर्ट्स वीडियो। बहुत दिन हो गए मैंने शॉर्ट वीडियो डाली भी नहीं है और मुझे बनानी आती तो है नहीं, बाकी मैं ट्राई करूँगा आज बनाने की, ट्राई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं ट्राई करूँगा आज पहली बार। तो गाइस अभी मैंने और पूजा ने मिल के वीडियो बनाई थी मगर मेरी तो एक भी नहीं आई, उसी उसकी बनी जितनी भी अच्छी बनी, तो मेरे तो कुछ भी शॉर्ट्स बने नहीं, मैंने उसकी बनवा दी। मैंने कि चलो ठीक है किसी एक का तो बने कम से कम शॉर्ट्स, तो अभी शॉर्ट्स वगैरह तो ख़त्म हो गए और टाइम भी अभी ज़्यादा हो गया, 5 बज गई है, तो अभी चाय वाय पीते हैं नीचे जाके। तो गाइस अभी चाय भी पी ली है और अभी टाइम हो रहा है कितनी बजी, 6:30 बज रही है, तो अभी बाहर जाके देखते हैं कैसा क्या माहौल है। कोई भी नहीं है। अभी मैं नीचे गया था मम्मी कमरे में मगर मम्मी है ही नहीं, मम्मी छत पे हैं क्योंकि शाम हो गई है, सुबह के कपड़े थे उनको लेने गई होगी। और अभी हमें शादी में जाना है तो उसका डिसाइड हो रहा था कि कहाँ जाना है शादी में, क्योंकि अभी आज के टाइम में 3-3 जगह शादियाँ हैं, वहाँ पे भी जाना है, या उसका डिसाइड करना है हमें कहाँ जाना है। मम्मी आ जाए फिर बाद में उनसे मैं पूछता हूँ कहाँ चलें। तो गाइस आज का भी ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि हमें फिर शादी में भी जाना रहेगा, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।